खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। रायबरेली विकासखंड डलमुआ में गंगा स्नान अब की बार नहीं करा पाएंगे श्रद्धालु। कोरोना वायरस के चलते कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान नहीं करा पाएंगे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के उद्योग व्यापार मंडल रामगोपाल विश्वा डलमऊ कोतवाली अध्यक्ष ने वीडियो जारी किया, आगाह कहा कि विगत कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तमाम श्रद्धालु स्नान के लिए आते थे, किंतु अब की बार कोरोना वायरस के चलते उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये निर्देश प्राप्त हुआ कि अब की बार श्रद्धालु कर पाएंगे स्नान। घर पर रहकर ही गंगा जल से स्नान करें और मन में मां गंगा की आराधना करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस महामारी गाइडलाइन का पालन भी करें। मनोज सिंह, रिपोर्ट, रायबरेली। राम गोपाल वैश्य, नगर अध्यक्ष, उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि डलमऊ। मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं। आज कोरोना का कहर पूरे विश्व में चल रहा है। हमारे यहां डलमऊ में विगत काफ़ी वर्षों से डलमऊ महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा का आयोजन बड़े भव्यता के साथ मनाया जाता है, लेकिन आज कोरोना के चलते शासन ने एक गाइडलाइन जारी किया है ताकि हम लोग सुरक्षित रहें और सभी लोग सुरक्षित रहें। मैं सभी जिलेवासियों एवं पूरे मंडल स्तर के व्यापारियों और स्नानार्थियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस महोत्सव को अपने घर पे मनाएं। किसी भी तरह का जो है कहीं भी कोई संक्रमण ना फैलने पाए तथा यहां पर कोई भी आयोजन ना हो, शासन ने निर्णय लिया है और शासन ने मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराने का कार्य किया है। तो आप लोग अपने घर में कार्तिक महोत्सव का आयोजन मनाएं और सुरक्षित रहें। जय गंगे, जय व्यापार। मैं इंस्पेक्टर डलमऊ, आपको जय हिंद, नमस्कार। आप सभी को यह अवगत कराना है कि डलमऊ गंगा घाट पर लगने वाला स्थान पर जो कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, इस वर्ष उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थगित है। आप सभी लोग जनपद के कई थानों पर तैनात रहे होंगे, जनपद से बाहर भी कई थानों पर तैनात रहे होंगे, अन्य जिलों में भी आपके बहुत से दोस्त, परिचित, रिश्तेदार आपसे एक ग्रुप में जुड़े होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप उन सबको सूचित कर दें विनम्रतापूर्वक कि इस बार स्नान के लिए डलमऊ गंगा घाट पर आने की कोशिश न करें। यहाँ पर स्नान करने के लिए आएंगे तो उनको असुविधा होगी, उनको वापस कर दिया जाएगा, इसलिए अपने घर पे ही रहकर स्नान करें। आप जिस भी पॉइंट पर ड्यूटी कर रहे हों, वहाँ पर यदि कोई ट्रैक्टर ट्राली, लड़िया या किसी भी साधन से लोग स्नान के लिए आते दिखाई दे तो उनको वहीं से विनम्रतापूर्वक वापस कर दें। आपसे सहयोग की अपेक्षा है। जय हिंद।